एवरीवन, आज मैं आपके सामने एलकेजी क्लास की एक वर्कशीट लेके आई हूँ जिसमें अभी तक का जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कई पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि कई स्कूलों में अभी तक कर्सिव राइटिंग, कर्सिव मीन्स ये स्मॉल कर्सिव राइटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कई जगह ए टू जेड हो चुकी है बट कई जगह ए टू एम हुई है, कई जगह ए टू पी हुई है, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम, क्योंकि ये कर्सिव लेटर थोड़े से टफ भी होते हैं उनका फॉर्मेशन, तो वन वीक में 2 से 3 लेटर्स ही न्यू सीख पाता है। तो इस वजह से आप टेंशन मत लीजिए। काम आपको सिर्फ इतना करना है कि जितने उसने कर्सिव लेटर सीख लिए, भले उसने 4 सीखे हो, 14 सीखे हो, मीन्स 4 सीखे हो, 14 सीखे हो, बट आपको प्रैक्टिस कराते रहना है। जैसे ये लिए हैं कैपिटल लेटर्स, जिनको मैंने अपने वीडियोज में बताया था, मैं इन्हें मदर लेटर्स भी कहती हूँ, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो होते हैं बेबी लेटर्स। तो इस बार आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला है कि हर एक अल्फाबेट, हर एक लेटर का कम से कम आपको एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स बच्चे को पता होने चाहिए। तो इस बार ये चेंज किया गया है, और ये वर्कशीट्स मेरे बच्चों के स्कूल से मिलती हैं, तो ये काफी हेल्पफुल रहती हैं। और ये जो सॉल्व किया है मेरे बेटे ने ही किया है, जैसे एम फॉर मंकी, पी फॉर पपाया, मोस्टली बच्चा क्या पढ़ता है, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पिकॉक, वी फॉर वैन पड़ता है, वी फॉर वल्चर है यहाँ पे, जैसे ये मेरे बेटे के लिए एक न्यू वर्ड आया यहाँ पे, और ये आया जैसे ओ फॉर ऑक्टोपस। तो आपने इस तरीके का करना है। फिर आप ये देखिए कैपिटल लेटर से क्या मैच कराना है, फिगर्स मैच कराने हैं, और ये भी कंप्लीट नहीं किया है उसने, और ये देखिए इधर से भी स्मॉल बेबी लेटर्स मिलाने हैं। फिर ये देखिए करेक्ट द सर्कल द करेक्ट अल्फाबेट, जो करेक्ट अल्फाबेट होगा, ए है, यू है, ई है। और मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ, जब आप स्मॉल लेटर की बात करें तो सिर्फ शब्द यूज करें, या तो बेबी लेटर्स या फिर ए ब क, उनका फोनिक साउंड। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कराएं। फिर आती है हिंदी की बात, तो हिंदी में अब ये देखिए आ से कुछ फिगर्स बने हैं, तो अनार है, इसे इमली है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अगर आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फिर से बड़ा लिख दीजिए, छोटी, फिर छोटा, तो सिमिलर अक्षर पे बच्चा सर्कल करेगा या रंग भरेगा। फिर ये देखिए चित्र देकर पहला अक्षर लिखो, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, अक्षर को चित्र से मिलाओ, इस तरीके की वर्कशीट आप सेट कर सकते हैं। नहीं है तो आप मेरे से वर्कशीट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहता है। अक्षर पहचानो और गोला बनाओ, तो इस तरीके से आप दे सकते हो, आ खा ता। बट कोशिश आपने ये करनी, जहां तक आपने बच्चे को पढ़ा दिया है, अभी पूरी वर्णमाला भी नहीं हुई है कई जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक आपने पढ़ा दिया है, जैसे अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने ता नहीं पढ़ाया है और आपने ता दिया है, तो बच्चे के लिए ये अक्षर एकदम वेस्ट है। इसलिए कोशिश करिए यहाँ पे ऐसा कोई आप अक्षर लिखते जितने जो बच्चे ने पढ़ रखा होता तो वो सही आता। देन मैथ्स में आपने करना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बच्चे को बताना है। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो आपको एलकेजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एलिगेटर की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने सिखाना है बिफोर आफ्टर बिटवीन। एक नया कंसेप्ट और आ जाता है काउंटिंग बाय टेंस, जब आपको बच्चे को 50 तक काउंटिंग आ जाए तब आपने सिखानी है काउंटिंग बाय टेंस। तो क्या है काउंटिंग बाय टेंस क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये देखिए ये एक ऑर्डर में दी गई है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से बीच बीच से आप उठा लीजिए और इस तरीके से बच्चे को सिखाइए। देन काउंट एंड राइट है, काउंट करना है और लिखना है। फिर ये देखिए रीड एंड कलर द ब्लॉक्स, तो जैसे 1 है तो 1 ब्लॉक को करना है, 5 है तो इसको या तो कलर कर सकते हो, मेरे बेटे ने इसको क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि बच्चे तो अपनी मर्जी से ही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, तो बेटर है आपके भी बच्चे को जो अच्छा लगे वो उसको वो करने दीजिए। देन अगेन फिर ये देखिए ये था काउंट एंड कलर, पहले काउंट करना है, तो फिर इस पे देखिए सर्कल किया है जो जो नंबर सही है, फिर इसको क्रॉस किया है, आप इसको कलर करवा सकते हो, तो इस तरीके से वर्कशीट दे सकते हो। देन अभी मेरे बेटे मेरे बच्चों के एलकेजी क्लास में ईवीएस में चल रहा है एनिमल्स की एनिमल्स चैप्टर, तो ये तो पहले देखिए ये एक ये, लेकिन दूसरी वर्कशीट इंग्लिश की है, राइट द नेम ऑफ व्हाट ईच पिक्चर शोज, तो पहले तो ये लिखना है कि हर एक जो पिक्चर है उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है, और फिर उन पिक्चर को कलर करना है जो बी से है, लेटर बी से है, तो जैसे डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम, बी फॉर बी, एल फॉर लॉयन, पी फॉर पेन, सी फॉर काउ, तरीके से उसने किया है। फिर बी से बी,
बी से बर्ड, बी से बॉल, बी से बटरफ्लाईज, तो इस बी वाले अल्फाबेट को कलर करना है। इससे बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है। कई लोग के मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स और कॉल्स आते हैं कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है सही से, पेंसिल नहीं होल्ड करता है। उसके लिए भी मैंने ग्रिपिंग पे बहुत अच्छा वीडियो डाला है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और कलरिंग बच्चों की उसमें बहुत मीन्स पढ़ाते पढ़ाते ही तौर पर, ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशली कलर के लिए देना है, पढ़ाते ही पढ़ाते साथ में आप कलरिंग करवाओगे तो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट से उसको सॉल्व करेगा। देन फिर ये देखिए, यानी ये ईवीएस स्टार्ट हो गई है, मैच द थिंग्स विच गेट अलॉन्ग। जैसे मंकी क्या खाता है, मंकी लव्स टू ईट बनाना, एलिफेंट लव्स टू ईट शुगर केन, पैरट लव्स टू ईट चिली मिर्च पसंद है, रैबिट लव्स टू ईट कैरेट, रैबिट क्या खाता है गाजर खाता है, स्क्वायरल क्या खाती है नट्स खाती है, तो इस तरीके से दिए है। फिर देखिए मैच व्हाट दे गिव्स अस, तो शीप क्या देती है, वूल देती है, हेन एग देती है, पिग योक देता है, मीट वगैरह कर सकते हो आप, और ये देखिए काउ क्या देती है, मिल्क देती है। फार्म एनिमल्स और बेबीज, उनके बेबीज को क्या कहते थे, जैसे काउ के बेबी को काव कहते हैं, शीप के बेबी को लैम कहते हैं, देखिए मेरे बेटे ने गलत मैच किया हुआ है, पिक के बेबी को पिगलेट कहते हैं, डक के बेबी को डकलिंग, और हेन के बेबी को चिक, हॉर्स के बेबी को फोल, तो इस तरीके से। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, मेरे से किसी ने ये पूछा था कि क्या बच्चों को स्पेलिंग भी लर्न करनी है, तो ये अभी नहीं लर्न करनी है क्योंकि अभी हम बच्चों को थ्री लेटर वर्ड सिर्फ सिखा रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग नहीं लर्न करनी, सिर्फ उनको एक जनरल मतलब ओरली आना चाहिए, स्पेलिंग नहीं बच्चे को आप लर्न कराइए अभी। अभी तो वो कैट बैट रेड सीख रहा है, तो इस वजह से ये सीवीसी वर्ड्स मीन्स थ्री लेटर वर्ड सीखेगा, देन फोर लेटर वर्ड, इस तरीके से बच्चे को आता है, अभी स्पेलिंग मत लर्न कराइए। देन आप इसी में आ जाता है फार्म एनिमल्स के होम्स कौन कहाँ रहता है, तो जैसे काउ काउशेड में रहती है, शीप बार्न में रहता है रहती है, डॉग कैनल में रहता है, हेन हेन हाउस में रहती है, हॉर्स किस में रहता है स्टेबल में रहता है, और इस तरीके से आप बता सकते हो। हु लिव्स ऑन अ फार्म, तो हॉर्स रहता है, काउ रहती है, पिग रहता है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हेन रहता है, टॉर्टोइज, और ये नहीं आएगा। तो इस तरीके की वर्कशीट आप बच्चे को सेट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको कर दूंगी, जिसमें मेरी एक्स्ट्रा शीट खुद की भी रहती हैं, तो आप वो ले सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।